हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डिविडेंड या बोनस मिलने पे क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूँ कि डिविडेंड या बोनस शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता, ये सिर्फ कंपनीज के लिए फायदेमंद होता है ये बताने के लिए कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्ट्राइड सार्कोलेप ने 2013 में 5000% का डिविडेंड दिया था। जिन्हें नहीं पता, मैं ये बता दूँ कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। स्ट्राइड्स का फेस वैल्यू ₹10 है और 5000% मतलब ₹500। तब उसकी प्राइस थी 900 के करीब। ₹500 का डिविडेंड और करेक्शन होके प्राइस आके रुका सीधा 360 पे, जिसका मतलब है 900 में से 500 डिविडेंड, 400 पे रुकना चाहिए था पर रुका ये 360 पे। तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ शेयर होल्डर्स को। तो आइए जानते हैं ऐसे समय पर क्या करना चाहिए। सपोज़ आपके पास 100 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, प्राइस 100 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 10,000। इस पे अगर आपको 300% डिविडेंड मिला है, जो कि ₹30 होंगे अगर ₹10 की फेस वैल्यू है, तो आपको टोटल डिविडेंड ₹3,000 का मिलेगा। अब आपके पास 100 शेयर्स हैं, प्राइस हो जाएगी 70 आफ्टर करेक्शन, टोटल अमाउंट 7,000। सो आपको कुछ मिला नहीं है, आपका वैल्यू 10,000 था और आपका अभी भी वैल्यू 10,000 ही है। तो अब करना क्या चाहिए? करेक्शन के बाद ये प्राइस आके रुकेगी 64-66 के बीच, कम कहीं 65 पे। तो जो आपको 3,000 का डिविडेंड मिला है, उसे आप इन्वेस्ट करें इसी शेयर में 65 के रेट पे, तो आपको 46 शेयर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके हो जाएंगे 146। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा 10,000। यहाँ आप प्रॉफिट बना सकते हैं क्योंकि आपका एवरेज बहुत ही कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 68 पे। अब यहाँ से जो भी बढ़ोतरी होगी, 65 से जो भी वापस प्राइस ऊपर आएगा, उसमें आप फ़ायदा मनाएंगे क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी 10,000 ही है, बट आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। पहले जहां आपने 100 शेयर लिए थे 100 के रेट पे, अब वो ₹30 डिविडेंड मिलने के बाद 65 पे आ गया है, तो आप उसे एवरेज करें जितना हो सकता है एवरेज करें। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं तो ज़्यादा डालिए, ताकि आपका एवरेज और भी कम हो जाए। जितना एवरेज आप कम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्राइस वापस से ऊपर आ जाएगा। सो 146 अगर ₹100 तक वापस जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा 14600 का, जो कि 3,000 से ज़्यादा है। स्ट्राइड्स एरकोलेब के मामले में यही हुआ था। मैं आपको अभी ले चलता हूँ उसके चार्ट पे और देखते हैं उस वहाँ से वो प्राइस कितना ऊपर आया और कितने जल्दी ऊपर आया। चलिए फिर से स्ट्राइड सार्कोलेप पे नज़र डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनवरी में डिविडेंड मिला था और दिसंबर 14 आते तक प्राइस वापस 1,000 के आसपास आ गया था। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना बन जाएगा ये हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास 100 शेयर है, 900 के रेट पे टोटल इन्वेस्टमेंट 90,000, डिविडेंड उन्होंने दिया ₹500, टोटल डिविडेंड 50,000। अब आपके पास डिविडेंड मिलने के बाद 100 शेयर पड़े हैं, 400 के हिसाब से 40,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, बट प्राइस का करेक्शन हुआ 360 तक। उसी जगह पे अगर आप ₹50,000 के शेयर्स और ख़रीद लेते हैं 360 के हिसाब से, तो आपको 138 शेयर्स और मिलेंगे। टोटल होता है 238 शेयर्स और आपका एवरेज प्राइस आ जाता है 376 पे। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी भी 90,000 ही है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास 238, यहाँ पे प्राइस 10,000 नहीं है, 1,000 है। तो दिसंबर 2014 तक आपके पास टोटल आ जाएंगे 238,000, जहाँ कि आपको सिर्फ 50,000 का फ़ायदा हो रहा था, वहाँ अब आपको 1,48,000 का फ़ायदा हो रहा है विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम।
इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या तो आप 50,000 कहीं और यूटिलाइज कर लीजिए और वेट कीजिए आपके ब्रेक इवन आने का, या तो आप अपना एवरेज कम करके अपना ब्रेक इवन एकदम नीचे ले आइए ताकि आप वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा बना सकें, जैसा कि इस केस में हुआ है। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट हमेशा बढ़ा सकते हैं, डिविडेंड या बोनस दोनों ही सूरतों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बींग कन्फ्यूज्ड। आशा करता हूँ कि ये सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो। धन्यवाद।